आज इस वीडियो में हम डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट डेवलपमेंट करेंगे, वो क्या होता है और उसे उसके कौन कौन से जो ऑर्गेनिज्म है वो डायरेक्ट डेवलपमेंट फॉलो करते हैं और कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट फॉलो करते हैं। तो उसे हम याद करेंगे, कैसे उसे याद रखना है कि कौन सी जो फाइल है ना वो डायरेक्ट डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे हैं और कौन से ऑर्गेनिज्म है इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को फॉलो कर रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो दिस इज आवर फर्स्ट पेज जहाँ मैं आपको बता रहा हूँ डायरेक्ट डेवलपमेंट क्या है। डायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है जहाँ लार्वा एब्सेंट है, यानी कि लार्वा जरूरत ही नहीं पड़ी बनने के लिए। और यहाँ जो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है इसका मतलब लार्वा प्रेजेंट है, ठीक है, यानी कि जो फॉर्मेशन है ना एक एम्ब्रियो की है ना, फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट से एम्ब्रियो तक है ना, वहां तक की जो स्टेज है वो उसके अंदर लार्वा बना या नहीं बना। तो अगर प्रेजेंट है उसे हम इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि घूम फिर के डेवलपमेंट हो रही है, इसीलिए हम उसे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट कह रहे हैं। लेकिन अगर लार्वा एब्सेंट है यानी कि डायरेक्ट डेवलपमेंट बिना कहीं घूमे फिरे जो है सीधा डेवलपमेंट हो रही है, कहीं जगह जो है दोनों हो सकता है ना, मतलब डिफाइंड नहीं होता डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, या दोनों ही प्रेजेंट हो सकती है, ठीक है, या कोई एक प्रेजेंट हो सकती है। तो उसे भी हम देखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी ने जो है कई बार और कर कर लिख रखा है, तो हम भी जो है उसे और कर कर ही याद करेंगे। अब कौन कौन से फाइल हैं और इसे कैसे याद रखना है। यहाँ पर जो है ध्यान से देखो, ये पी क्या है, पी है पोरिफेरा ना, फाइलम पोरिफेरा, यहाँ कोलेंट्रेटा, स्टीनोफोरा, स्टीनोफोरा प्लेटीहेलमिंसिस, एस्केहेलमिंसिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा मोलस्का, इकिनोडर्मेटा, हेमिकोडेटा और कोडेटा। कोडेटा में आगे हमने लिखा हुआ है यूरोकोडेटा, सिफ्लेनोकोडेटा है ना, साइक्लोस्टोमेटा, अपना कोंड्रोसिथाइसिस, ऑस्टियोसिथाइसिस, अपना एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स, ठीक है। अब इसे देखो ध्यान से, पहले क्या करना है, कैसे याद रखना है, अगर आपको पेपर में पूछा जाए क्या करना, सीधा वहां जाकर ये लिख लेना सारे है ना। इसको लिखने में कितने सेकंड लगे हैं, 10-15 सेकंड, और उसके बाद जो है सभी पे आई आई लिख देना, और जो ट्रिपल ए है उनके साथ स्लैश डालकर डी लिख देना, यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट और डायरेक्ट डेवलपमेंट दोनों है, ठीक है, बहुत ही आसान है। आई यानी कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, अपना आई बाय डी यानी कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट दोनों हो सकती हैं, और कर कर लिखा हुआ है एनसीईआरटी ने भी, ठीक है, बड़ा आसान है, बस ऐसे याद रखना, मतलब 10 सेकंड भी नहीं लगेंगे आपको ऐसे लिखने में। और अगर कोडेट्स में किसी में पूछा जाए इसमें डायरेक्ट डेवलपमेंट देखी जाती है या इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, इसे भी बस क्या करना है अपना ऐसे लिख देना, ठीक है, उसके बाद बस यूरो कोडेटा, सिफ्लेनो कोडेटा और एम्फीबियंस जो है वो तीनों इनडायरेक्ट हैं, ठीक है, बाकी जो है वो सभी जो है डायरेक्ट है, बस उसके बाद ट्रिक खत्म है ना, अपना डायरेक्ट और इनडायरेक्ट समझ आ गया, और अगर दोनों पूछा जाए वो भी समझ आ गया। तो अब आप कहोगे यार भैया आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट तो करवा दिया अब, लेकिन मैंने तो हर्मेफ्रोडाइट्स भी याद रखे नहीं थे, तो उसको देखना है तो ऊपर वाली वीडियो पर क्लिक करो, और अगर मॉर्फोलॉजी की डेडिकेटेड प्लेलिस्ट देखनी है तो नीचे वाली वीडियो पर क्लिक करो।